ऐसी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय। चीन का नाम लिए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने G20 सम्मेलन में आए हुए देशों को आगाह किया कि कुछ असामाजिक तत्व और वैश्विक ताकतें नागरिकों और सरकारों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक गुड्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त और सुरक्षित बनाने और टेक्नोलॉजी की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए एक सुरक्षित और सक्षम अंतर्राष्ट्रीय ढांचे को बढ़ावा देना है। नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। मुझे खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी इस पहल को रिस्पॉन्ड किया है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी पहली G20 की बैठक गुरुग्राम में हो रही है। शाह ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। हाल में भारत सुरक्षा एजेंसियों ने साइबर अपराध से जुड़े कई मामलों को लेकर सरकार को आगाह किया है, जिसमें रैमसवेयर हमले, व्यक्तिगत डेटा की चोरी और बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न, बाल शोषण और गलत सूचना अभियान आदि शामिल हैं। साइबर क्राइम की दुनिया में सरहदें बेमानी हैं। इसी के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने G20 के देशों से ये गुजारिश की है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिस पे सरहदों का कोई जोर ना हो और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।